2024 का चुनाव चल रहा है, दो चरणों का मतदान हो गया, तीसरे चरण की तैयारी में तमाम नेता लगे हुए। वहीं वीआईपी सुप्रीम मुकेश साहनी ने बीजेपी पर और अमित शाह पर निशाना साधा है, साथ ही अमित शाह पर एक विवादित बयान दे दिया। पहले वो सुनिए किस तरीके से अमित शाह पर बयान दे रहे हैं। देखिए गिरिराज जी तो पहली बार इस तरीके का बयान नहीं दे रहे। गिरिराज जी जैसे और भी बहुत सारे नेता है, खास करके भाजपा के पास, वो भाईचारा को और आपस में सद्भाव रहे इसको मानते नहीं हैं। हमेशा वो नफरत की राजनीति कर रहे हैं। आज की तारीख में चुनाव का समय है, चुनाव में जनता का बात रखे और अलूल जुलूल बयान देने के लिए तो 365 दिन बाकी है। वो 365 दिन स्वतंत्र है, जो जिसको गाली देना, जो जितना बोलना है, अनाप शनाप, भाई को भाई से लड़ाना, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, जो करना वो करे, लेकिन कम से कम चुनाव के समय में उसको अपना बताना चाहिए कि नवादा में 5 साल में उन्होंने क्या किया। अभी आप बेगूसराय गए, वहाँ पे 5 साल आगे आपको जनता चुनेंगे तो आप क्या कीजिएगा, तो ये रिपोर्ट देना चाहिए। आपके देश के प्रधानमंत्री जी 10 साल रहे हैं, 10 साल में उन्होंने जो जो वादा किया सीना ठोक कर, भाइयों बहनों भाइयों बहनों भाइयों बहनों, तो भाइयों बहनों को बताइए कि भाई आपने क्या किया और कहाँ आप सफल हुए। तो ये सारे बात नहीं कर रहे। आज हमारे देश का युवा रोड पे बेरोजगार होकर घूम रहा है, किसान परेशान हो रहा, आत्महत्या कर रहा है, पक्का मकान नहीं है, लोग परेशान है, तो ये सब चीज़ छोड़कर आप उलूल जुलूल का बयान दे रहे हैं। उनके ऊपर अभी कोई क्या टिप्पणी टिप्पणी करना, वो ऐसे ही बोलते रहते हैं। निश्चित तौर पे उन्होंने जो कहा है वही तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि वो आरक्षण खत्म करना चाह रहा है। वो नहीं चाहता है कि आरक्षण मिले लोगों को, गरीब पिछड़ा को, जो बहुत पीछे रह गया उसको आरक्षण मिले। वो इसलिए वो हमेशा चाह रहा कि मैरिट पे चीज़ें हो, तो यही तो हम लोग तो कह रहे हैं। अभी वो घुमा के कह रहे हैं, लेकिन इंडप्ट जाके उनका इच्छा क्या है, आरक्षण समाप्त करना। अगर मैरिट की बात कर रहे तो सीधा खुल के कहिए ना कि संविधान को ख़त्म कीजिए और जो जितना है और मैरिट पे आरक्षण हम देंगे। आप तो वो नहीं कह रहे, आप मैरिट पे जाति, भाई जाति हमारी पहचान है, हर जाति का अपना एक पहचान है, सब अपने जाति में ही रहता, अपने जाति के परिवार के साथ रहता, अपने बच्चे बेटी या बेटा को शादी उसी जाति से करते हैं, जाति हमारी पहचान है। रहा कि मैरिट की बात है तो आप खुल के आइए मैदान में, आप भैया कहिए मैरिट पे, उस पर चर्चा कीजिए। आप आरक्षण खत्म करना चाहते हैं ये मुझे पता है, इससे पहले भी मोहन भागवत जी बयान दिए थे और आज कल आपने झंझारपुर में भी आपने इस तरीके का बयान दिया कि मैरिट पे हम करेंगे। तो यही तो हम लोग कह रहे हैं कि फिर हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो कहा कि बहुत सारे लोग पीछे जो रह गए हैं उनको आगे लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था करना है, तो उसको आप खत्म करना चाहते हैं, खुल के आप आके बताइए कि हम खत्म करना चाहते हैं। देखिए हमारी सरकार बनेगा, हमको पता है कि हमको क्या करना चाहिए, वो हमारे मुंह में न डाले, उनको क्या करना चाहिए वो अपनी बात करे, हमको क्या करना चाहिए, हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, देश कैसे भाईचारा के साथ रहेगा, हम वो काम करेंगे, उनके कहने से थोड़े काम करेंगे। हम उनको जो कह रहे हैं कि 5-20 करोड़ युवा को नौकरी देने के लिए, वो दे तो नहीं रहे, तो हमारा हमको हमारी सरकार बनने के बाद हमको क्या करना चाहिए और देश को जोड़ के रखने के लिए जो उचित होगा वो सब काम हम करेंगे, उनके कहने से काम करेंगे। कर्नाटक में ओबीसी का आरक्षण छीन करके कांग्रेस ने कर्नाटक में ओबीसी का आरक्षण छीन कर मुसलमानों को दे दिया, प्रधानमंत्री ने कहा कि आप लोग भी वही कर रहे हैं। वो गलत बयान दे रहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी इतना झूठ बोलते हैं, हम लोगों को शर्म आ रहा है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। उनको पहले तो वो दे बताना चाहिए कि जो उन्होंने वादा किया उसके ऊपर काम करना चाहिए। राज्य सरकार जिनके पास जो अभी उनके पास देश का प्रधानमंत्री है, उनको लग रहा है गलत है तो बदल देना चाहिए। कल उन्होंने झंझारपुर में कहा मंडल कमीशन को रोक के रखने वाला, भैया 10 साल से आप ताली बजा रहे थे क्या, 10 साल से आप सरकार में थे, क्यों नहीं मंडल कमीशन को आपने लागू कर दिया, काका काल कल का रिपोर्ट क्यों नहीं लागू कर दिया, आप 10 साल से क्या हिजरा बन के ताली बजा रहे थे क्या। तो ये सारे चीज़ें झूठ बोल रहे हैं, ये लोग गलत तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं और बेवजह से जो उनको कहना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। तो आपने सुना किस तरीके से बोलते बोलते अमित शाह ने एक विवादित टिप्पणी कर दी अमित शाह को लेकर के, जिस तरीके से लगातार उनसे जब सवाल किया गया कि वो कह रहे हैं कि हम लोग आएंगे तो मंडल कमीशन को लेकर लागू करेंगे, तमाम चीज़ों को बता रहे थे, एक एक चीज़ें गिना रहे थे, उसी दौरान उन्होंने कहा कि वो आएंगे तो क्या करेंगे और अब तक क्या करेंगे, 10 सालों तक उन्होंने क्या कुछ कहा, उसी दौरान उन्होंने
विवादित टिप्पणी किया। आप देखना यह दिलचस्प होगा कि इस तरीके से बयान जो है चुनाव में जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है उसी दौरान मुकेश साहनी एक विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। अब बीजेपी की तरफ से इसका क्या पलटवार किया जाता है।